हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बैंकिंग। हम पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल क्या होता है और बैंकिंग क्या होता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है जब कोई भी चीज हमारी कंट्री की बाउंड्री से बाहर होती है, ऐसी कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर के जो काम होते हैं वो इंटरनेशनल हो गया। एंड बैंकिंग का मतलब जो बैंक्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जो बैंक अपने फंक्शन करते हैं उसे बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग की एक्टिविटी बैंकिंग, बैंक की एक्टिविटी बैंकिंग, और जो हमारी कंट्री के बाहर का जो काम होता है वो इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंकिंग का भी यहां पर क्या मतलब हुआ कि जो बैंक हैं वो अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं, अपने फंक्शंस कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर के लिए। ठीक है, तो वो हुआ इंटरनेशनल बैंकिंग। इसमें हम आगे क्या दे रखा है कि जो इट इज एन ओल्ड प्रोसेस, ये बहुत ही पुरानी प्रोसेस है। जब लेंडर्स जो होते थे, लेंडर्स मतलब कि जो लोग पैसा उधार देते थे, वो पैसे दे देते थे फॉरेन किंगडम्स को, जो राजा महाराजा होते थे फॉरेन के, तो वहां के जो राजा महाराजा होते थे फॉरेन के, तो उनको जो लेंडर्स पैसे दे देते थे, तो ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो लेंडर्स होते हैं, जो अपनी उनकी जो सेविंग्स होती हैं, जो उनके पैसे उन्होंने सेव करके रखे होते हैं, वो उन्हीं पैसों को फॉरेन के बैंक्स में सबमिट करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि फॉरेन बैंकिंग। ठीक है, तो फॉरेन बैंकिंग क्या है? फॉरेन बैंकिंग इज दैट बैंकिंग एक्टिविटी, वो बैंकिंग एक्टिविटी है विच अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जो कंट्री की बाउंड्री से बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे लिए क्या होंगी? इंटरनेशनल बैंकिंग। इन मॉडर्न टाइम्स, जो आज का युग है, जो टुडेज इरा है, जो आज का युग है, उसमें क्या होता है? इट इज यूज्ड एज अ बैंकिंग इन द वर्ल्ड मार्केट बाय द कंपनी एंड इंडिविजुअल्स। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके द्वारा बैंकिंग को यूज किया जाता है आज के जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मार्केट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि इंटरनेशनल बैंकिंग इज सिमिलर टू द बैंकिंग सर्विसेज। जो सर्विसेज हमें हमारा बैंक, हमारी डोमेस्टिक कंट्री का, हमें जो बैंक, लोकल बैंक हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, सिमिलर वही सर्विसेज जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ये हमारी कंट्री में सिचुएटेड है और ये कहाँ है? अदर कंट्री में है। इट इज सिचुएटेड डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में, और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बैंकिंग प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ द अनदर कंट्री। जो बैंक होते हैं इंटरनेशनल बैंक, वो किसी और कंट्री के रेजिडेंट और सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये फॉरेन बैंक है और ये इंडियन है, तो जो ये फॉरेन बैंक है वो इंडियंस को अपना जो सर्विसेज हैं, अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े लेवल्स पे जो लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो बैंकिंग, इसी इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज का ही यूज करके अपने ट्रांजेक्शन को करते हैं। ये तो था हमारा की मीनिंग। अगर हम अब सिंपल लैंग्वेज में समझें कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है इंटरनेशनल बैंकिंग की, या मीनिंग क्या है इंटरनेशनल बैंकिंग का, तो यही मीनिंग है कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग इज दैट बैंकिंग, वो बैंकिंग एक्टिविटीज होती है जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी अनदर कंट्री से हमें जो फैसिलिटीज, जो एक्टिविटीज या जो जो फंक्शंस किए जा रहे हैं अनदर कंट्री में। ठीक है, लेकिन हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, तो वही होती हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग। नेक्स्ट करते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है, या उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं जो उसके क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू रीच, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है इसमें, एंड अकाउंट मेंटेन। फर्स्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग होता है वो फैसिलिटी देता है। किस चीज की फैसिलिटी देता है? कि वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या डील कर सकते हैं बहुत सारी करेंसीज में। कौन कर सकते हैं? इंटरनेशनल कंपनीज। जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी करेंसीज में, जैसे कि हमारे इंडियन का रूपी हो गया, डॉलर, पौंड, यूरो, तो इन सभी करेंसीज में या और भी जो जो करेंसीज होती हैं उनमें डील या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेशनल बैंकिंग। एंड दे कैन अवेल फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। हम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज उनसे ले सकते हैं। किन से? इंटरनेशनल बैंक से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट ना किए बिना हम फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं इंटरनेशनल बैंक से। नेक्स्ट क्या, इजी टू रीच एंड इजी टू एक्सेसिबिलिटी।
जो इंटरनेशनल बैंक तक पहुंचना है या वहां तक जो पहुंच है वो बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। इंटरनेशनल बैंकिंग बैंकिंग प्रोवाइड जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो हमें प्रोवाइड करती है अवेलेबिलिटी एंड इजीनेस फॉर द ट्रेड, कि हम ट्रेड कर सकते हैं टू कंपनीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, हम बहुत सारी कंट्रीज की कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम बहुत इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेशनल बैंकिंग, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू ही हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं से पैसे ले सकते हैं, या अदर जो एक्टिविटीज होती है वो इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू ही होंगी। ठीक है, एनी इंडिविजुअल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज कैन यूज देयर मनी इन होल वर्ल्ड, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं भी अपने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो अपनी मनी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होता है वो अलो करता है बिजनेसमैन को टू पेमेंट और सेटलमेंट द इंटरनेशनल बिल, जो इंटरनेशनल बिल होता है वो हम इंटरनेशनल बैंकिंग में जाकर अपना अलो इंटरनेशनल जो बिल है उसको सेटल करवा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, या फिर किसी से पेमेंट आई है तो वो हम क्या है इन कैश करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि द फैसिलिटी ऑफ करेंसी कन्वर्जन, जो फैसिलिटी है करेंसी कन्वर्जन की अलोज टू कंपनीज टू गिव एंड टेक मनी इजली, जो ये फैसिलिटी दी गई है इंटरनेशनल बैंकिंग ने एक फैसिलिटी दी है कि आप लोग अपना जो मनी कन्वर्जन है, जो अपनी करेंसी कन्वर्जन है कि आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हो, तो वो करवा सकते हैं और इजली क्या है मनी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ऑल्सो मतलब कि डिपॉजिट करवा सकते हैं, विदड्रॉ भी करवा सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं बहुत ईजली। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एडिशन टू इट, इसके साथ साथ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, जैसे कि हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब हमारे बैंक से अगर हमारी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है तो हम एक्स्ट्रा मनी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं पर्सन को मिलता है या उन्हीं कंपनीज को मिलता है जो रेप्यूटेटेड होती है, जिनकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होती है। लोन एंड डेट फैसिलिटी, हमें लोन भी मिल सकता है अगर हमें लेना है और हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं एक्सेट्रा, ये सारी ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं इन इंटरनेशनल बैंकिंग। नेक्स्ट क्या कहता है कि अकाउंट मेंटेन्स में क्या कहता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है कैन मेंटेन ग्लोबल अकाउंट्स विदाउट एनी बायस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग की हेल्प से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपना अकाउंट मेंटेन करवा सकती हैं विदाउट एनी बायस, किसी भी पक्षपात के बिना। ठीक है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जो हर एक ट्रांजेक्शन होगी कंपनी की रिकॉर्डेड होती है इंटरनेशनल बैंक्स की बुक्स में, मतलब कि जो सारी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कहाँ पर, इंटरनेशनल बैंकिंग की बुक्स में, जो भी डाटा होता है जो भी फिगर्स होते हैं उसको असेंबल किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी हमने बुक्स या अकाउंट्स बनाने हैं कंपनी के, ठीक है, तो बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें क्या दे रही है इंटरनेशनल बैंकिंग, हमें ये सारी फैसिलिटीज दे रही है कि फ्लेक्सिबल है, इजी टू रीच है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हम और अकाउंट जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज दी गई थी। कंक्लूजन, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन आपका 15 या 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है और आप कंक्लूजन लिखते हो तो आपको एक प्लस आपको मार्क्स प्लस में मिल ही जाता है, अगर आपको 16 में से कोई पर्सन 10 या 11 दे रहा है तो कंक्लूजन का 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो कंक्लूजन जरूर लिखा करें कि कंक्लूजन क्या कहता है कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है जब हम ट्रेड कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एंड इंक्रीज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ गई है, तो डेवलपमेंट हुई है बहुत सारी फैसिलिटीज की इंटरनेशनल बैंकिंग में, क्योंकि पहले कुछ फैसिलिटीज नहीं होती लेकिन टाइम को देख के कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वैसे ही डेवलपमेंट हुई फैसिलिटीज में भी ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी बढ़ी एंड ऑल्सो इंक्रीज द फैसिलिटी ऑफ द बैंक, जैसे जैसे टाइम अच्छा आता गया, अब हम जैसे जैसे हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो धीरे धीरे जो फैसिलिटीज हैं वो हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी हुई वैसे वैसे जो फैसिलिटीज है बैंकिंग की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द मेन रीजन फॉर इम्प्रूविंग फैसिलिटी इज इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग है इसीलिए हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग हमें देता है। तो ये था हमारा कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं इंटरनेशनल बैंकिंग की। नेक्स्ट हम करते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग की, कि क्या क्या कार्य करती हैं इंटरनेशनल बैंकिंग और इसी की वजह से क्या इंटरनेशनल बैंकिंग फेमस है, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग जो जो काम करेगी उसी की वही इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि उसी चीज की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो वही फंक्शंस उसके, क्योंकि एक व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उसी से उसकी पहचान होती है, तो जो फंक्शंस होंगे वही
उसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो इंटरनेशनल बैंकिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द ईयर्स बिकॉज द वेरियस रीजंस। ये सारे जो नीचे दिए गए हैं वो सारे रीजंस की वजह से जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती गई है, और ये सारे रीजंस की वजह से ही, ये सारे फंक्शंस की वजह से ही इंटरनेशनल बैंकिंग आज ग्रो कर गई है। ठीक है, लिंकिंग द सेवर्स एंड ब्रोवर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसमें क्या होता है इंटरनेशनल बैंकिंग में, एक कंट्री का एक पर्सन और दूसरी कंट्री का दूसरा पर्सन। एक पर्सन तो वो है जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, उसके पास पैसा है, वो सेव करना चाहता है, तो वो सेवर है, वो पैसों को जमा करवा रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है, तो वो सेवर। एंड एक पर्सन है जिसके पास डेफिशिएट है अमाउंट की, तो वो क्या कर लेगा, ब्रोवर कहलाएगा, वो ब्रो कर लेगा, पैसों को उधार ले लेगा, विथड्रॉल करवाएगा। तो उसी तरीके से ये लिंक बना देता है बिटवीन द सेवर्स एंड ब्रोवर्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देर आर कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ये है इंटरनेशनल बैंकिंग के नाम से ही है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कोई बैंक है और अमेरिका के जो बैंक है वो इंडिया, मतलब हमें कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका हमारे साथ साथ और भी बहुत सी कंट्रीज को ट्रेड में हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज जो हमें दे रहा है वो सिमिलर और भी कंट्रीज को दे रहा है, जैसे कि न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, ये सारी जो है एक्सेट्रा, बहुत सारी जैसे कंट्रीज हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं जब इंटरनेशनल बैंकिंग होता है। ठीक है, ऑपरेशन इन 24 आवर्स, जो इसका काम होता है वो 24 आवर्स चलता है पूरे दिन में, एंड 7 डेज इन अ वीक, मतलब कि पूरे हफ्ता ये काम चलता है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम सेवर्स, जो सेवर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट लेता है, जैसे हमने पहले ही किया कि लिंक बना देता है सेवर एंड ब्रोवर्स के बीच में, वैसे ही सेवर्स से जो होता है वो जो उनकी एक्सेस अमाउंट होती है, जो उनके पास जो वो सबमिट करवाना चाहते हैं, डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो करवा सकते हैं। प्लस इसमें एक और चीज, जैसे कि अदर बैंक्स में होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन जो बैंक में पैसा सबमिट करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, तो जब पैसा सबमिट करवाएगा तो उससे लेके जो भी उसका टाइम डेट जब वो विड्रॉल करवाता है तो उस टाइम की इंटरेस्ट उसे मिलता है, तो जो उसका इंटरेस्ट उसे मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या बोला गया, गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग, जो भी सेविंग करेंगे उस पे उसे पैसा मिलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, हमारी कंट्री से भी। लैंडिंग ऑफ द ब्रोवर्स, जो ब्रोवर्स हैं जिनके पास पैसों की कमी है, डेफिशिएट है, तो वो पैसा उधार पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि उस पर्सन को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया होगा उसी इंटरेस्ट रेट पर उसे क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ब्रोवर मस्ट पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, जो अमाउंट उसने विड्रॉ करवाई है, बोरो की है, तो वही अमाउंट उसको प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको इंस्टॉलमेंट में वापस भी करना होगा, रीपेमेंट करनी होगी उसकी अमाउंट की जो भी उसने लोन लिया है, और फिक्स रेट पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि हेल्पिंग टू गेट द नॉलेज अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो रेट होती है जो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, तो उस रेट के बारे में ब्रोवर्स एंड सेवर्स को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, नॉलेज देता रहता है कि क्या रेट्स चल रही हैं, कब अप डाउन हुई, कितनी रेट अप डाउन हुई है, क्या मतलब आज का सिचुएशन क्या है, क्या एक्सचेंज रेट चल रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है जो इंटरनेशनल बैंकिंग होता है वो सेवर्स एंड ब्रोवर्स को देता रहता है। नेक्स्ट इसमें यही पॉइंट को एक और तरीके से बोला गया है कि ईजियर फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए ईजी है कि वो अप टू डेट रह सकता है नॉलेज अबाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, के एक्सचेंज रेट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, तो उन उतार चढ़ावों के बारे में अप टू डेट रह सकता है। ठीक है, क्लाइंट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल बैंक ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन क्या है प्रोवाइड करवाते हैं टू द ब्रोवर्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो फैसिलिटी देते हैं, जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो फैसिलिटी देते हैं किनको, क्लाइंट्स को, किस चीज के लिए, इंपोर्ट करने के लिए एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट क्या होता है कि बाहर की किसी कंट्री से, जो हमारी कंट्री नहीं है, मतलब बाहर की वर्ल्ड की किसी और कंट्री से, हमारी डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री से क्या है, गुड्स परचेज करना। एंड एक्सपोर्ट क्या होता है कि किसी अनदर कंट्री में गुड्स को सेल करना। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल बैंकिंग क्लाइंट को। ठीक है, अरेंजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, और जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो एक और फैसिलिटी देता है कि जब क्लाइंट
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तब उस टाइम उन्हें एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की, तो उस फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल बैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल बैंक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी होते हैं मतलब कि राय देना। जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं जब भी किसी क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई राय चाहिए, सलाह चाहिए, तो वो सलाह जो है, जो राय है वो मिल जाती है इंटरनेशनल बैंक से। ठीक है, लोवरिंग ट्रांजेक्शनल कॉस्ट। जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है, और जो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का वो भी कम होता है, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो छोटा मोटा या फिर हम ये कहें रेपुटेटेड बैंक नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बैंक होता है वो बहुत ही रेपुटेटेड बैंक होता है, क्योंकि वो वर्क कर रहा है होल वर्ल्ड पे। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई बैंक इन ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो उसकी जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है वो भी लोअर होती है, और जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए कहीं, मतलब कोई फ्रॉड ना हो जाए या कुछ, तो ऐसा नहीं होगा इंटरनेशनल बैंकिंग में। तो ये सारी फंक्शंस जो हैं ये करते हैं इंटरनेशनल बैंक्स। तो आज हमने किया कि इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, एंड साथ ही फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट की सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले ही हम दो तीन वीडियोस कर चुके हैं, जैसे ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट हम कन्वर्टिबिलिटी पे चलेंगे कि कन्वर्टिबिलिटी, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। इसमें दो तरह के होते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो इन दोनों को हम डिटेल में करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। Like my video, subscribe my channel and don't forget to share this video with your friends. और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई भी doubt रहता है, कोई query रहती है, या आप चाहते हो कि मैं किसी commerce से related किसी और topic पे video बनाऊँ, तो आप ज़रूर बताइए। I will try and thank you so much.